हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। आज है हमारा हवन, सो हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं हवन की। वहाँ बन रहा था मंडप जो आपको भी दिखा होगा। यहाँ आंटी लोग बना रही है खाना और यहाँ कुकर के पापा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या खाना खराब हो रहा हो, क्या चीज़ें अच्छी रखी हुई हैं, क्या फेंकना है, क्या रखना है। ओवर एक्टिंग कर रहे हैं बेसिकली और गुस्सा दिखा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि मैं ब्लॉग एडिटिंग ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए और एक्स्ट्रा शो ऑफ कर रहे हैं। चलो ठीक है, इतना तो चलता है। कहीं ना कहीं मतलब हेल्पफुल बहुत है वो। थैंक। सो फ्रेंड्स, आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम जहाँ हवन मंडप कैसे बन रहा है, पंडित जी लोग क्या बना रहे हैं। तो ये देखिए, पंडित जी लोग रेडी कर रहे हैं हवन बेदी, हवन मंडप, केले के पत्ते और छोला के पत्ते लगा के, और वहाँ पे सारा रंगोली बना के बेदी उन लोगों ने बना दी है। उसको भी गोबर से लीप के और उसको प्रॉपर बनाया गया है। सो बस हवन स्टार्ट होगा और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आइए चलिए, हम लोग चल रहे हैं मंडप में और हवन के लिए सारी तैयारी लग गई है। बस मेरा ही वेट हो रहा था और ये जा रही हूँ मैं पीछे से भागते हुए स्पीड में। फ्रेंड्स, हमारा हवन है जो है 5 घंटे का और बहुत लंबा टाइम होता है। 5 घंटे नॉनस्टॉप बैठ के आहूति देना, और सो हम लोगों ने बस सीख लिया है 1 घंटे का ब्रेक यहाँ पे। और हाँ, मुझे आप लोगों की बात शेयर करनी थी। हम सारी पांडे फैमिली की लेडीज़ों ने सेम साड़ी सेम कलर की पहनी हुई है, एंड वो बहुत कूल लग रहा था। सब लोग बहुत स्मार्ट लग रहे थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हवन होने के बाद सारे जो बहनें होती हैं तो वो सबका टीका करेंगी और सबको कपड़े वगैरह नारियल देंगे। सो बस उसी के लिए सारी मामी वगैरह और बुआ जी वगैरह आ गई हैं। सो मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी कि सबको सब लोग कितने प्यार से आके, और सब लोग जो भी रीति रिवाज जो बनाए गए हैं ना पहले, बहुत कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाए गए हैं, तो उनको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको फॉलो करना भी चाहिए, अगर हम फॉलो करें तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन को पता तो होगा एटलीस्ट कि क्या क्या होता है। अगर हम ही लोग फॉलो नहीं करें, बिकॉज आजकल ट्रेंड है कि पुरानी चीज़ों को अपन फॉलो नहीं करते, बट अपने आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमने ही जो चीज़ें नहीं करी हम आगे उनको बता ही नहीं पाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है। इसलिए हमको ये सब करना चाहिए और आप लोग भी करते होंगे आई होप। सो फ्रेंड्स, बस आइए बढ़ते हैं आगे और बस इसके आगे निकलेंगे। ये देखिए, आज पूजा होने के बाद यहाँ जानी हुई है झांकी, और ये ना सारे जो भी चौकी और सो चौकियों का पूजन हवन हो गया है, तो बस उनको पैकअप कर रहे हैं और आइए अब देखते हैं आफ्टर पार्टी क्या होता है घर में। तो यहाँ बने हैं भांग के भजिए जो रात में सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये होता है ना? महफिल में हो रहा है चाची का स्वागत। माला पहना भाभी का नमस्कार ऐसी कह रही थी नगर पाली का जाते लम्बी थोड़ी की नगर पालिका कौन है नगर पालिका अध्यक्ष से कम है क्या? चाचा किसे सिफारिश संभाल तो बस लेंगे, आपकी सिफारिश से परेशान हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ, मुझे समझती नहीं क्षेत्र की हम कुछ भांग भांग अरे ऐसे थोड़ी अंकित भैया छोटे ताऊ पहनाएंगे, सब उठ जाए सब उठ जाए। ठीक है चलिए, और रे मैं साइड से
तो फ्रेंड ये सारी मस्ती होने के बाद मैं लेके आ गई हूँ कुहू को सुलाने के लिए। तो फ्रेंड मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं कर रही हूँ एंड आई होप आप लोग ये सारे इन्जॉय कर रहे होंगे मस्ती। टिल देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। बाय बाय, विल मीट अगेन नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे है भंडारा, तो आप लोग वो भी इन्जॉय करेंगे। आप लोगों ने पूरा महामृत्युंजय का जाप और उनका अभिषेक इन्जॉय किया ही होगा। बाय बाय, विल मीट।